गाइस यार क्या खतरनाक नींद आई थी, उठने में भी काफी देरी हो गई है, जल्दी से बाहर जाता हूँ। अबे ये सब क्या है और चौप वहाँ पर क्या कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये सब मेरे घर पे आया कैसे? जल्दी से इसको जाके पूछता हूँ, पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। चौप ये सब क्या चल रहा है? अरे ओ फ्रैंकलिन भैया आपका इंतजार था। क्या मतलब तेरा? अरे आज हमारे घर पे एक कॉम्पिटिशन है। कौन सा कॉम्पिटिशन? छत के ऊपर से पूल में जंप लगाने का। और वो किसके साथ? अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे साथ। अबे तू वहाँ पर क्या कर रहा है? पीछे सरक वरना नीचे गिर जाएगा। अरे आज तो नीचे ही गिरना है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे मतलब कि आपका कंपटीशन मेरे साथ ही है, अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। तुम लोगों का है ना दिमाग खराब हो गया। रुक तू वहीं पे, मैं आ रहा हूँ। ये लोग मेरे को कभी चैन से जीने नहीं देंगे। पता नहीं गाइस यार मैं कब शांति भरी जिंदगी जीऊंगा। अब जल्दी से ऊपर जाता हूँ और ये मैं पहुँच गया। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से आओ ना। अरे आ तो रहा हूँ। शिनचैन ये सब क्या है? अरे चौप ने समझाया तो सही। अच्छा ठीक है बाबा, ये तो बता दे ये सब तुम लोग ने किया कब? अरे जब आप घोड़े बेच के सो रहे थे। मतलब तुम लोग मेरे को कभी शांति से सोना ही नहीं दोगे ना? अरे ये सब बकवास छोड़ो और जल्दी से ऊपर जाके जंप लगाओ। अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ। तो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं। भाई साहब सीढ़ियां भी लगा रखी है। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो आना भाई जल्दी। अब जल्दी जल्दी चढ़ते ऊपर और ये हम पहुँच गए। ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं है गाइस। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया डरो मत, आज हम खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। और अगर नीचे गिर के हड्डियां टूट गई ना तो हॉस्पिटल के भी पैसे नहीं अपने पास। अरे उसकी चिंता आप मत करो। क्या मतलब तेरा? अरे आपकी शक्ल है ना। हाँ मेरी शक्ल है उससे क्या। अरे आपकी शक्ल देख के कोई ना कोई तो भीख दे ही देगा। बहुत ज्यादा बोलने लग गया तू। अरे अब ये सब छोड़ो और जंप करो। गाइस यार इससे पहले मैं जंप करूं जल्दी से लाइक दबा दो। और ये मैं चला, हम तो गए। भाई साहब क्या लगी है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं कितना आगे आया चौप? अरे पहले शिनचैन को कूदने दो, उसके बाद ही बताऊंगा। क्या भाव खा रहा है? अरे नहीं वरना ये चीटिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक है। शिनचैन यार जल्दी से आएगा? अरे कान के पास क्या चिल्ला रहे हो? मैं कहा चिल्लाया? अरे अभी अभी चिल्लाया आप। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा। और ये मैं चला, आज तो मैं जीत के रहूंगा। अरे बापरे बहुत जोर से लगी, अब जल्दी से बाहर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं फ्रैंकलिन भैया से आगे हूँ। चौप अब बता कौन जीता? अरे हाँ चौप बोल दो कि मैं जीत गया। तू क्यों बोल रहा? चौप अपने आप बोलेगा ना, मुझे लगता ना तुम दोनों मिले हुए हो। अरे नहीं हम लोग मिले हुए नहीं है। हाँ तो फिर बोल दे मैं जीत गया। अरे ये क्या बात हो गई, आपकी जीत जीत और मेरी जीत मिली भगत। अरे ये क्या गिर रहा है? भाई साहब ये क्या गिरा पानी में? ये मैं कहाँ पर पहुँच गया और तुम लोग कौन हो? हमारा छोड़ो तू कौन है? मेरा नाम सोनिक है। और मेरा नाम शिनचैन। और ऊपर तुम यहाँ पर आए कैसे? वो तो मुझे याद नहीं। याद नहीं? अच्छा ठीक है, पर ये तो याद होगा ना कि आया कहाँ से? मुझे वो भी याद नहीं। अबे यार ये कैसी मुसीबत है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे पास एक आइडिया है। अरे कौन सा आइडिया? टोनी भैया के पास जाते हैं। हाँ ये हो सकता है, तो जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे, क्योंकि इसको तो याद नहीं है ये कहाँ से आया है। अब टोनी मदद कर सकता है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ। अरे आओगे सब लोग? हम लोग आ रहे हैं। अरे मैं भी आ रहा हूँ। फटाफट फटाफट। अरे मैं कब बैठूंगा? मेरे साथ ऊपर बैठ जाओ। अब चलते फटाफट। वैसे सोनिक तुम कौन से जानवर हो? जानवर ये क्या होता है? अरे जैसे कि मैं कुत्ता हूँ वैसे तुम क्या हो? वो भी मुझे नहीं पता। अरे सोनिक वैसे तुम करते क्या हो? मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत स्पीड भाग सकता हूँ। इसका मतलब तुम स्पोर्ट्स में हो। अरे ये सब छोड़ो जल्दी से गाड़ी रोको। अच्छा ठीक है रोक दी। अब जल्दी से उतरते हैं। आ जाओ सब लोग अंदर। फटाफट जाते गाइस। ये रहा टोनी। आओ फ्रैंकलिन। और कितना हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाओ। और ये कौन है? इसका नाम सोनिक है, इसके आगे तो हमें भी नहीं पता। क्या मतलब तुम्हारा? अरे ये अचानक से हमारे पूल में गिर गया था और जब इसको पूछा कि कहाँ से आया तो इसको ये भी याद नहीं था। अच्छा ऐसी बात है क्या? ये हरे रंग का कौन सा जानवर है? अरे यार क्या भर दिया तुम लोग ने इसके दिमाग में। सोनिक हर कोई जानवर नहीं होता, इसका नाम हल्क है। ओ हाय हल्क। हाय सोनिक। हाँ हो गई दोस्ती, अब जिस काम के लिए आए वो करे। कौन सा काम? अरे इसको कुछ याद नहीं तो अपने को मदद करनी पड़ेगी ना। अपनी मशीन से पता लगा सकते कि कहाँ से आया है। ये बात तो तुमने एकदम सही बोली। वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ। अरे झूठ मत बोलो, ये आइडिया तो मेरा था। अरे छोड़ना, किसका आइडिया था किसका नहीं था क्या फर्क पड़ता है। और चारू को मैं जाके मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। अब जल्दी से जाता हूँ। ये मैंने मशीन स्टार्ट कर दी, सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं सोनिक की कहानी। ये बात तब की है जब सोनिक एक छोटा बच्चा हुआ करता था और वो अपने डायमेंशन में अपनी फैमिली के साथ एक बीच पे रहा करता था। अरे वाह तो भाग के मजा ही आ गया। अब जल्दी से दीदी के पास जाता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये मैं पहुँच गया आइलैंड पर। दीदी मैं आ गया, आप कहाँ पर हो? अरे दीदी कहाँ पर चली गई? ये रही, आज मैं बहुत स्पीड भागा। अब जल्दी से खाना खा लो। हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। आज क्या बना है? आज मैंने तुम्हारे लिए फिश बनाई है। अरे वाह क्या बात है, मुझे फिश बहुत पसंद है। फिर तो जल्दी करो, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बस होने ही वाला है। अरे ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बच्चे ये जगह चुपचाप खाली कर दो। और वो क्यों? क्योंकि इधर हमारा राज चलता है, उसी तेरे बाद भेजे मैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। तुमको इधर से जाना ही पड़ेगा, आज से ये हमारा इलाका हुआ। जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। सोनिक दूर हट जाओ, ये लो और तुम भी लो, जाओ यहाँ से। सोनिक हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो और भी लोग आ जाएंगे। जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी जाते हैं। अरे पर हम जा कहाँ पर रहे हैं? फिलहाल सवाल मत करो, चुपचाप बैठे रहो। अरे ये लोग ये क्या छोड़ रहे हैं? ये तो जहरीली गैस लगती है। हाँ सोनिक ये जहरीली गैस है, हमें जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हम दोनों को मार देंगे। ये देखो यहाँ पर एक बोट है। सोनिक तुम एक काम करो, तुम ये बोट लेके निकलो, मैं इन्हें संभालती हूँ। दीदी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैं
मैंने कहा है उतना करो, मैं तुम्हारे पीछे टेल को भेजूंगी। अच्छा ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना, जल्दी से जाता हूँ, पता नहीं ये लोग मेरी दीदी के साथ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ऐसे सोनी को अपना घर छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा, पर अब वो कहाँ पर जाएगा ये आपको जल्दी पता चलेगा। अरे मैं कहाँ पर जाऊँ, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है, ये तो एक पोर्टल जैसा लग रहा है, पक्का दीदी ने इसको खोला होगा, जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ। अरे ये मैं कहाँ पर गिर रहा हूँ, वो रही मेरी बोट, अरे बाप रे ये क्या हो गया, चलो अच्छा हुआ मैं पानी में गिरा, पर ये मैं कहाँ पर आ गया, और यहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स कैसे आ गई, ये सब तो यहाँ पर कभी भी नहीं था, मुझे लगता है मैं दूसरे डायमेंशन में आ गया हूँ। जल्दी से बोट पे चढ़ता हूँ, यहाँ पर कोई है, कोई मेरी मदद कर सकता है, आप लोग कौन हो? अरे बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? मैं दूसरे डायमेंशन से आया हूँ, पर मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा ऐसी बात है तो टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ रह सकते हो, वैसे भी यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, मम्मी पापा ने मुझे बुलाया था, जल्दी से उनके पास जाता हूँ, पता नहीं क्या काम होगा। मम्मी पापा आप कहाँ पर हो? वो रहे, अरे ये क्या है? बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे गिफ्ट ये क्या होता है? अरे बेटा तुम कहता था ना तुम्हें भागना पसंद है, तो अब तुम घर पे भी भाग सकते हो। अच्छा इसी बात है क्या, अब जल्दी से इस पे चढ़ो और हमें भाग के दिखाओ। अच्छा ठीक है चढ़ता हूँ। अरे वाह क्या बात है, ये तो कमाल की मशीन है, मुझे बहुत पसंद आई, शुक्रिया मम्मी पापा, मैं इससे भी तेज भाग सकता हूँ, आइए मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ। ये तुम हमें कहाँ पर लेके आ गए? आप बस देखते जाइए, मैं आपको स्पीड भाग के बताता हूँ। ये मैं चला, अरे वाह इतने खुले मैदान में भागने का मजा ही आ गया, मेरी स्पीड तो पहले से भी बढ़ गई है। अब जल्दी से वापस जाता हूँ मम्मी पापा के पास। अरे मम्मी पापा कहाँ पर गए? अभी तो यही पर थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? अरे ये कौन है, किसने मारा मुझे? अरे बाप रे। कुछ दिनों बाद ये मैं कहाँ पर आ गया, मेरा तो सर घूम रहा है, मेरा घर कहाँ पर गया, मम्मी पापा कहाँ पर गए, कोई है यहाँ पर, कोई सुन सकता है मुझे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे ये क्या है और ये किस चीज का सिंबल है, मुझे लगता है इन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को किडनैप किया होगा। अरे ये शेर कहाँ से आ गए, जल्दी जल्दी भागता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे, कहाँ पर भागूं, कोई बचाओ, कोई है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है ये लोग मुझे खा ना जाए, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, जल्दी से बढ़ाता हूँ। अरे ये झाड़िया कहाँ से बीच में आ गई, चलो अभी भागता हूँ यहाँ से, ये लोग तो नजदीक आ गए, ये चला मैं, बार बार बचा, अभी तो ये लोग मुझे खा ही लेते, पर मैं जाऊंगा कहाँ पर, मुझे वापस शहर में जाना होगा, जल्दी जल्दी भागता हूँ। सोनिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर हुआ क्या था और उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। चलो मैं रोड पर तो पहुँच गया, पर अभी मैं कहाँ पर जाऊंगा, जाके किसी से मदद मांगता हूँ। कुछ सालों बाद अब हमारा सोनिक बहुत ही मशहूर हो गया है, लोग उसकी स्पीड के दीवाने हो गए थे और हर जगह उसका इंतजार करते थे। चलो मैं पहुँच गया, अब यही पे उतरता हूँ। अरे यहाँ पर तो काफी भीड़ है, जल्दी से अंदर जाता हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे यही पे रोक लेंगे, नहीं तो मेरी मूवी लेट हो जाएगी। ये मैं अंदर पहुँच गया, चलो अभी तक मूवी स्टार्ट नहीं हुई, आजकल तो अकेले मूवी देखनी पड़ती है, नहीं तो लोग तो मुझे घेर ही लेते हैं। चलो मूवी खत्म हुई, अब जल्दी से बाहर जाता हूँ, आज का शो तो काफी मजेदार था। अरे ये किसका फोन है? हेलो हेलो, अरे टेल बोलो तुम कहाँ पर हो? मैं तो अभी मूवी देख रहा था। ये सब छोड़ो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे पर हुआ क्या? मुझे उस सिंबल का पता चल चुका है। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ, चलो आज जाके कुछ पता तो चला, जल्दी से टेल के पास जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी भागता हूँ, पता नहीं वो सिंबल किस चीज का होगा, मुझे तो काफी डर लग रहा है, पर मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का सवाल है, पूरी स्पीड के साथ भागता हूँ, मैं कुछ ही देर में पहुँच जाऊंगा। ये मैं पहुँच गया, टेल यही कहीं पे होनी चाहिए। टेल कहाँ पर हो तुम? टेल कहाँ पर गई? वो रही, कैसी हो टेल? मैं तो ठीक हूँ। अब बता तुम्हें क्या पता चला? मुझे पता चला है कि वो सिंबल इसी लैब का है। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा यहाँ पर होंगे? वो तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ का मालिक डॉक्टर एगमैन है, जो बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर एगमैन ये कौन है? तुम अंदर जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ, आज तो उस डॉक्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ से जंप लगाता हूँ। चलो मैं अंदर तो पहुँच गया, पर यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं टेल को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। नीचे उतर के देखता हूँ, मुझे लगता है मुझे लैब के अंदर जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी भागता हूँ। यहाँ पर भी कोई नहीं है, मुझे लगता है सब लोग अंदर होंगे, पर अंदर खतरा भी हो सकता है, मुझे संभल के जाना पड़ेगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे मम्मी पापा का सवाल है। चलो मैं अंदर तो पहुँच गया हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक रोबोट है। बार बार बच्चा, अभी तो ये मुझे देख ही लेता, मुझे छुप छुप के जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ। चलो बार बार बच्चा, अरे ये तो इसी तरफ आ रहा है, ये तो बाहर चला गया। चलो कोई नहीं, रास्ता साफ हुआ, अब जल्दी से अंदर भाग के जाता हूँ। यहाँ पर तो एक और रोबोट है, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। अब मैं इसके आगे कैसे जाऊंगा, मुझे कैसे भी करके इसको मारना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, एकदम स्पीड में इसके पीछे जाता हूँ, फिर इसे मार दूंगा। और ये मैं चला, जल्दी जल्दी जाता हूँ, बार बार बच गया, अब ये नहीं बचेगा, ये ले और ये भी ले और अब ये खा। चलो मुझे लगता है ये ठिकाने लग गया, थोड़ा और अंदर जाता हूँ। ये जगह तो काफी बड़ी है, ये सब क्या है, ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे ये लोग कौन है? बार बार बचा, मुझे लगता है ये डॉक्टर एगमैन होगा। मेरा काम बस होने वाला है, आखिरकार मैंने अपने रोबोट आर्मी तैयार कर ही ली, अब मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। मुझे बस थोड़े बहुत और रोबोट तैयार करने हैं, फिर मैं इस दुनिया पे राज करूंगा।
और जो दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर आया होगा उसे अपने वश में कर लूंगा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक दिखता है, अब जल्दी से उसके पीछे जाता हूँ। पर ये जा कहाँ पर रहा है? ये तो आगे निकल गया, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, यहाँ पर जाके छुपता हूँ। इससे पहले ये अपना काम आगे बढ़ाए मुझे इसे रोकना होगा। अरे कहाँ पर गायब हो गया? अभी तो यही पर था। कहाँ जा सकता है? ये तो एक सेकंड में ही गायब हो गया। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ? मुझे उसे ढूंढना ही होगा, उसे ही पता होगा मेरे मम्मी पापा कहाँ पर है। इसके अंदर जाता हूँ, ये तो बहुत ही पतली जगह है। चलो मैं फाइनली बाहर आया, पता नहीं वो कहाँ पर गया होगा, यहाँ पर भी नहीं है। अरे वो क्या है? मुझे लगता है ये भाग रहा है। मुझे जल्दी से इस हेलीकॉप्टर का पीछा करना पड़ेगा, वो तो पहले ही काफी दूर निकल गया। अरे ये मुझे कौन मार रहा है? यहाँ पर तो पुलिस आ गई, मुझे लगता है ये भी उनके साथ मिली होगी। ये लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये लो, और अब तुम भी लो, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब तुम लो, अब इसको मारता हूँ। मुझे जल्दी से इनको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएगा। अरे ये तो आते ही जा रहे हैं। ये लो, इनको तो मैं इतनी स्पीड मारूंगा कि इनको पता भी नहीं चलेगा। और अब ये लो, ये कब से मार रहा है? ये ले, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं उसके पास जाके रहूंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। जल्दी से इनकी गाड़ी लेता हूँ, अब निकलता हूँ फटाफट। पता नहीं वो कहाँ पर गया होगा। वो मुझे दिखाई तो दे रहा है पर काफी दूर है, मुझे कैसे भी पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। ये लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। जल्दी से गाड़ी को भगाता हूँ। सोनिक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो पुलिस वालों और मिलिट्री वालों से अपना पीछा छुड़ा सके और डॉक्टर एगमैन को पकड़ सके। अरे ये लोग तो सामने से आ गए, साइड से निकालता हूँ बार बार बच्चा, पर मेरी गाड़ी की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है, मुझे कैसे भी इन्हें चकमा देना ही पड़ेगा। अरे तुम तो बहुत बुरा फंस गए थे। चिंचांदर को पता ना लॉस सैंटोस की पुलिस कैसी है, एक बार पीछे पड़ जाए तो भाई बहुत मुश्किल से ही छोड़ती है। हाँ ये बात तो आपने एकदम सही बोली। अरे ये क्या हो गया? जल्दी से उतरता हूँ, अब मुझे भाग के जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस मेरे काफी नजदीक पहुँच जाएगी। जल्दी जल्दी भागता हूँ, आज तो उस एंगमैन को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना ही पड़ेगा। वो रहा हेलीकॉप्टर, पर वो जा कहाँ पर रहा है? जल्दी से उसका पीछा करता हूँ, इस बार इसे जाने नहीं दूंगा, इसके पीछे पीछे भागता हूँ। कहाँ तक जाएगा? अरे ये तो यहाँ पर आके गायब हो गया, मुझे जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा। जल्दी से जाता हूँ, ये तो मिलिट्री बेस है, इसका मतलब मिलिट्री वाले भी इससे मिले हुए है। ये रहा इसका हेलीकॉप्टर, पर वो तो इसमें है भी नहीं, मुझे लगता है इस साइड गया होगा। जल्दी से जाता हूँ, आज तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये रहा वो डॉक्टर, अब तुम नहीं भाग पाओगे, जल्दी से बता दो कहाँ पर है मेरे मम्मी पापा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले से एक ट्रैप बिछा रखा था, अब बस तमाशा देखो। ये लो। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम मुझे पकड़ लोगे? अब ये सोनिक का बच्चा मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरा मैका सोनिक बन के तैयार हो चुका है और सोनिक इसके अंदर है, अब मैं जैसा बोलूंगा ये वैसा ही करेगा। जाओ और मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो करो। अच्छा ठीक है, आ जाओ सब लोग मेरे पीछे, आज तो हम बैंक लूट के रहेंगे, मालिक को निराश नहीं करूंगा। दूर हट जाओ सारे, नहीं तो सबको मार दूंगा। मैंने कहा ये जगह खाली करो, मैं चारों बाजू तबाही मचा दूंगा, सब लोग मर जाएंगे। डॉक्टर एगमैन ने सोनिक को कंट्रोल में कर लिया था और उसे एक मैका सोनिक के अंदर डाल दिया, जिससे वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ गया था। जैसा डॉक्टर कहता सोनिक वैसा ही करता। अब देखिए आगे, जल्दी से आ जाओ, अब अंदर जाते हैं, जो जहाँ पर है वहीं पर खड़े रहो। चलो इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। अब इनकी बारी, ये गई और ये भी गई, तू क्या देख रही है? चलो यहाँ पर तो सब लोग मर गए, और कोई है यहाँ पर? ये दरवाजा तोड़ता हूँ, वैसे इसी के अंदर होंगे। ये रही तिजोरी, ये गार्ड तो गए मेरे हाथ से, बेचारे सारे के सारे मार जा चुके हैं। जल्दी से इस तिजोरी को तोड़ता हूँ, कहाँ पर है पैसे? इसके अंदर होने चाहिए। ये रहा लॉकर, अब जल्दी से सारे पैसे ले लेता हूँ। चलो अब चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि वो बेवकूफ पुलिस वाले आ जाए। वैसे आने तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी मालिक के लिए काम करते हैं। अरे ये सब क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं ऐसा कैसे बन गया? तुम लोग बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो, और अब तुम भी लो। ये सब मैं क्या कर रहा था? मुझे लगता है डॉक्टर ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये लो, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। पता नहीं मैंने क्या क्या गलत किया होगा। मैं जब तक इस सूट के अंदर हूँ वो लोग मुझे कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। जल्दी से बाहर निकलता हूँ, अब इस सूट को यहीं पे छोड़ देता हूँ। मुझे कहीं पे जाके छुपना पड़ेगा। इस घर के अंदर चला जाता हूँ। कोई है यहाँ पर? मुझे मदद की जरूरत है। तुम कौन हो? मेरा नाम सोनिक है, मेरे पीछे एक बहुत ही खतरनाक आदमी पड़ा है, प्लीज मुझे कहीं पे छुपा लो। और पर तुम हो कौन? वो सोनिक इसी तरफ गया था, मुझे लगता है इस घर के अंदर छुपा होगा। ये खोला मैंने दरवाजा। सोनिक बेटा कहाँ पर है? अरे वो यहाँ पर आ गया, प्लीज कुछ करो। एक काम करो, ऊपर चला जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी जाता हूँ। मुझे लगता है वो यहाँ पर पहुँच गया है। सोनिक ये कौन है? ये तुम बता दो सोनिक को कहाँ पर छुपाया है। डॉक्टर उसे मार देगा, मुझे जाके उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये लो, और अब ये खाओ, और ये भी लो। तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। अच्छा ठीक है, यहाँ ऊपर से कूद जाते हैं। जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर मेरी गाड़ी है, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। ये मैं आ गया, अब जल्दी से चलते हैं, एकदम स्पीड में भगाना। वो बहुत ही शातिर है, हमें कैसे भी ढूंढ लेगा। चलो वहाँ से निकले तो सही, अभी खतरा टला नहीं है। अरे ये गोली कौन मार रहा है? अरे ये क्या, उसने तो ड्रोन छोड़ दिया हमारे पीछे। ये बहुत ही खतरनाक ड्रोन है, हमें कैसे भी इनसे बचना पड़ेगा वरना ये हमारी जान ले लेंगे। अरे बाप रे, बार बार बचे। मुझे तो लगता हम गए। ऐसा मत बोलो, बस गाड़ी को यहाँ से निकालो, हम पीछा छुड़ा सकते हैं। और मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो गोली मारते ही जा रहा है। अरे ये क्या हो गया, इसने तो हमारी गाड़ी फोड़ दी।
जल्दी से बाहर निकलो। अरे कोई आग को बुझाओ, प्लीज बुझाओ, मैं जल रहा हूँ, मुझे लगता है मैं यहीं पे मर जाऊंगा, बचाओ। इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, अब तो ये ड्रोन गया मेरे हाथ से। ये रहा वो, ये लो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मुझसे नहीं बच पाएगा ये। और अब ये लो और ये खाओ, ये उस आदमी के लिए जिसे तुमने अभी मारा, ये गया। चलो फाइनली इसका काम तो तमाम हुआ, मुझे इसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, इसने तो मेरी मदद की थी। अरे ये क्या, अब ये क्या चीज है? आओ बछवा आओ, इसे मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया था। मैं इसे और तुम्हें दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला और अब इस भले इंसान को भी। ये देखो इमोशनल फूल, बेटा दुनिया बहुत जालिम है, अब इसे मजा चखा दो। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या हो गया, मुझे इसे बचना पड़ेगा, ये ले। और अब ये खा, कहाँ पर भागता है, रुक। और अब ये ले, मैं अपना सारा गुस्सा तुझ पे उतारूंगा। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ही ताकत है, ये तो फिर से पास आ गया। ये ले, जल्दी से इसे खत्म कर लूँ, उसके बाद डॉक्टर एगमन को भी मारूंगा। ये लो हवा के चक्कर खाओ, अब इसे चक्कर आ गए होंगे। अरे ये तो वापस आ गया, मैं पहले जितना कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें आसानी से हरा लूंगा। और अब ये लो, वो राहो। और अब ये ले, और ये भी ले, और ये एक और बार, आज तो इसे मैं खत्म ही कर दूंगा, मुझे लगता है ये मर चुका है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं जल्दी से पोर्टल खोलता हूँ, मुझे अपने डायमेंशन में वापस जाना है। ऐसे कैसे अपने डायमेंशन में जाएगा, मेरे पास एक स्पेशल गोली है, जैसे मैं इसको मारूंगा इसकी सारी याददाश्त चली जाएगी और ये गलती से दूसरी जगह ही चला जाएगा। ये गया। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं कहाँ पर पहुँच गया? अच्छा तो ऐसा हुआ था, अरे अभी तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना। इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था, उस डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो जो भी है, तुम सेफ तो हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।